वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम ब्लॉग की जर्नी करने वाले हैं थाने से लेके बदलापुर स्टेशन तक। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे स्लो लोकल मिलेगा, फास्ट लोकल, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही पता चलेंगे। एंड मैं लैपटॉप बैग लेके चल रहा हूँ, बिकॉज इसी में एडिट करके मैं करने वाला हूँ अपलोड। मेरे आने के 10 मिनट पहले ही ट्रेन यहाँ से जा चुकी है, एंड बदलापुर के लिए ट्रेन में अभी भीड़ भी हो गया, बिकॉज ऑलमोस्ट इवनिंग हो गया गाइस। दादर जाना है आपको, ये देखिए वो सामने वाला जो लगा है ना CST, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो बस गाइस, देखते हैं कितने बजे का ट्रेन, हाँ यही वाला, तो ट्रेन पकड़ते हैं, निकलते हैं। जो जो स्टेशन आएगा स्लो फास्ट से, जिससे भी मैं चलूँगा, सारा का सारा स्टेशन एक्सप्लोर करने वाला हूँ आपको। एंड टिकट मैंने UTS ऐप से पहले ही निकाल लिया है, प्लेटफॉर्म पे आने के पहले ही। सब चलते गाइस यार। ये देखिए, ये रहा अपना पूरा थाने स्टेशन, देख ही सकते हो आप लोग। सो नीचे अभी ट्रेन जा भी रही है, एंड अभी इंडिकेटर में ट्रेन गाइस लगा हुआ है ऑलमोस्ट 4 मिनट के बाद, तो 4 मिनट तक वेट करते हैं। सो मैंने सोचा कि चलो तब तक आप लोगों को थाना दिखा दिया जाए। सो वो जो सामने ब्रिज देख रहे हो गाइस, ये सब ब्रिज नया बना हुआ है। सो बस ट्रेन आ जाए अपनी, तो उसके बाद अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी भीड़ तो आप लोग नीचे देख ही सकते हो। जा रहा है गाइस, ये बेसिकली कल्याण जा रहा है, मैंने देख लिया था। एंड वो सामने वाली ट्रेन CST के लिए है, तो ये प्लेटफॉर्म पर उतर गए, यानी अब मैं पकड़ने वाला हूँ स्लो लोकल। यहाँ से ट्रेन आ गई है, एंड स्टेशन पर क्राउड देखिए आप लोग, एंड आप देख सकते हो इस पे लिखा है बदलापुर। सो गाइस, फाइनली थाने से ट्रेन स्टार्ट हुई है। देर से काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, जिसके वजह से कैसे भी करके खाली रिकॉर्ड कर रहा था। फाइनली थोड़ा सा स्पेस मिल गया, सो यहाँ से प्रॉपर आपको दिखाऊंगा। हालांकि 3 स्टेशन क्रॉस हो गया है, कलवा, मुंब्रा, दीवा और कोपर। कोपर अभी जा रहा है, सो अब डोंबिवली से हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे गाइस बदलापुर तक। ये बताए, ये देखिए फाइनली कोपर स्टेशन पर जा चुका है। गाइस फाइनली डोंबिवली से भी ट्रेन हो गया है स्टार्ट, एंड अराउंड अभी 4-5 स्टॉप के साथ अभी हम पहुंचेंगे बदलापुर। तो डोंबिवली में थोड़ा सा रश था, तो मैं अंदर बाहर हो गया था, ये देखिए। तो डोंबिवली स्टेशन भी ऑलमोस्ट जा चुका है गाइस। ठाकुरली से थोड़ा सा खाली दूर है कल्याण, बाकी डोंबिवली से तो ठाकुरली काफ़ी ज़्यादा पास में था। फाइनली ठाकुरली स्टेशन भी है। Thank you.
बाद जो सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वो ये कि मेरा फ़ोन ना बंद हो जाए बिकॉज मैंने पावर बैंक कैरी करना भूल गया। कल्याण स्टेशन आने वाला है गाइस, देखिए ये पूरा का पूरा जो ट्रैक पे डाला जाता है पूरा पत्थर ऐसे रखा गया मालगाड़ी पे। कल्याण स्टेशन उस साइड आया है तो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी हो गई गाइस। कल्याण से भी ट्रेन स्टार्ट हो गया है एंड विट्ठलवाड़ी अभी आने वाला है, नेक्स्ट स्टॉप जो आने वाला है। ट्रेन का टर्निंग देखिए गाइस, सो गाइस फाइनली देखिए विट्ठलवाड़ी स्टेशन आ गया। फाइनली देखिए विट्ठलवाड़ी स्टेशन पे क्रॉस हो चुका है एंड वो डायरेक्शन में ट्रेन सीएसटी के लिए आ गई है। नेक्स्ट स्टेशन उल्लासनगर अब आने वाला है। फाइनली उल्लासनगर भी आ गया है एंड इसके बाद अंबरनाथ फिर बदलापुर। डर एक ही चीज़ का है कि फ़ोन ना बंद हो। तो अंबरनाथ आ गया गाइस एंड अंबरनाथ से जो बदलापुर का दूरी है वो ऑलमोस्ट 8 से 10 किलोमीटर तक है। अराउंड ट्रेन को यहाँ से 7-8 मिनट तक लगता है कम से कम। तो गाइस अंबरनाथ से भी ट्रेन स्टार्ट हो गया है, बदलापुर स्टेशन आ जाएगा। अराउंड 7-8 मिनट लगेगा बिकॉज थोड़ा सा यहाँ से दूरी है। तो गाइस फाइनली बदलापुर स्टेशन भी आ गया है एंड ये तो बदलापुर की ट्रेन थी, सो राइट साइड डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म आया है। ये फ़ोन ने तो साथ दे दिया, फ़ोन बंद नहीं हुआ। काफ़ी मेहनत के बाद बदलापुर उतर गए हैं एंड बाहर स्टेशन के निकलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ चलना कहाँ है। गाइस कमेंट में बताना कि कैसा लगा मुंबई लोकल ट्रेन जर्नी थाने से लेके बदलापुर तक। एंड अभी आप देख सकते हो मैं हूँ रिक्शा में बिकॉज गाइस मैं चल रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ वो ब्लॉग के लिए। ये चीज़ जानने के लिए गाइस आप कल वाला ब्लॉग देखिए बिकॉज यहाँ पे आया हूँ तो ट्रेन जर्नी का ब्लॉग तो हो ही गया, बट चलो अच्छा बता देते हैं। तो गाइस मैं उसी फार्म हाउस पे चल रहा हूँ जहाँ मैं गया था, बट आज मैं दिन में आप लोगों को पूरा का पूरा वो जो फार्म हाउस है पूरा उसका टूर दूंगा बिकॉज दिन में जो व्यू आता है अनदर लेवल। तो पूरा वीडियो गाइस कल देखेंगे एंड अभी तो देखते हैं फिलहाल में, मतलब अरविंद ने भेजा है अपने फ्रेंड को, सो ये दादा आए हमको रिक्शे से पिक करने के लिए। सो डायरेक्टली मैं रिक्शे से ही फार्म हाउस पे चलूंगा। एक चीज़ अच्छी होगी कि फ़ोन नहीं बंद हुआ गाइस। तो होप सो गाइस कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो आज का भी ट्रेन जर्नी मुंबई लोकल का। तो बस गाइस फाइनली आज के लिए इतना ही। तो गाइस मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming.